प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. और इसमें भी कहीं उन्होंने लीडरशिप को बार्टल, यू नो बार्टल इज द ऑथर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जिसमें वो कहते हैं जी चार फंक्शंस है और उन्होंने यू नो 1200 पेजेस, वी हैव ऑल द एमबीए ग्रेजुएट्स अराउंड द वर्ल्ड, दे से दे हैव बीन टोल्ड कि जी प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, लीड करें और कंट्रोल करें. आई एम जस्ट फ्लैशिंग दिस ताकि हम इसको अपने बैकग्राउंड में रखें. सो प्लीज यू हैव टू बेयर विद मी, हम क्योंकि बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं तो मैं आपसे जरा ज्यादा हेल्प ले रहा हूं. अब मैं आपसे चाहूंगा कि जस्ट फॉर 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, अगर आप लोगों के पास कुछ लिखने के लिए है फाइन, अदरवाइज आपके राइट लेफ्ट पे जो साहब बैठे हुए हैं, आई वुड लाइक यू टू लिस्ट डाउन द रीजंस व्हाई यू गो टू वर्क, नॉट व्हाई शुड यू गो टू वर्क. आई एम सेइंग आप ऑनेस्टली बताइए, अपने पास के लिख लीजिए कि आप क्यों जाते हैं काम करने के लिए. इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, जस्ट टू गिव यू सम आइडियाज. ये आपने इससे जस्ट एन एग्जांपल, नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड विद. और आप 1 से लेके 10 तक के उनको स्कोर दे दीजिए. यू नो इफ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, गिव इट अ हाई स्कोर, यू नो गिव इट 8, 9. एंड देन इफ समथिंग यू नो गेटिंग ए फ्री लंच, 4 का वैसे कम है इसके लिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. प्लीज रिमेंबर नॉट व्हाई यू शुड गो, व्हाई यू डू गो टू वर्क. इसको बेशक आप लोग अपने जहन में ही अगर वो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आप लिख लेंगे तो आपको बाद में रिफ्लेक्ट करने में आसानी होगी. ठीक है जी, सो वी हैव एन आइडिया कि हमने बेस्ड ऑन द वेटेज दैट वी हैव असाइंड आवर सेल्स, हमने उसकी बेसिस पे अपने 5-6 जो टॉप रीजंस हैं उसको एक वेटेड स्कोर असाइन कर दिया, एंड वील यूज इट लेटर ऑन. अच्छा जी, क्योंकि हम बिल्ड कर रहे हैं अपना केस, वी आर सेइंग पीपल एंड सिस्टम्स, जो रिजल्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद कॉमन एक थीम है. So, to understand, since organization consists of man resources, human resources and non-human resources, तो हमें इन दोनों को थोड़ा सा zoom करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने objectives achieve करने हैं of the organization, right? We have to achieve the objectives using people. So, this means कि हमारे पास जो non-people resources हैं और people resources हैं, उसको थोड़ा सा similarities और differences देख लेते हैं. I think, sir, it's very common sense to talk about the similarities. You know, human systems and machines, whether computers or other things, they have got some physical structure. They have got certain, you know, connectivities between those structures. There is some interconnectivity. There is a physical structure that exists. Then, besides that physical structure, we also have some processing going on, some brain, let's call it the brain. Agreed? Physical systems, structures, और उसको को process करने के लिए कुछ brain भी होता है. Humans के अंदर ये वाला brain है, computer के अंदर CPU हो सकता है, other machines have got different mechanisms to provide the intelligence, let's say, which is required to operate that physical structure, right? Differences kya hai sir?
emotions. मतलब मशीन ये तो नहीं कहती मेरा दिल नहीं कर रहा, ये मशीन ये नहीं कहेगी कि मैं इस काम के लिए तो आज सारी रात लगा के आई मेक श्योर दैट इट विल बी डन टुनाइट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मशीन को एक स्कोप दिया जाएगा, वो ब्रेन प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा एंड देन देयर इज गोइंग टू बी हार्डवेयर व्हिच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट व्हाट द ब्रेन सेज. आज दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं है, प्रॉब्ली मशीन शायद ऐसा ना कह, ब्रेन के थ्रू वो शायद कम्युनिकेट कर दे थोड़ा सा, यू नो प्रोसेसिंग पावर इज लो व्हाटएवर. सो आई थिंक इमोशंस का इसके अलावा और कोई इनपुट देना चाहें, बिकॉज मैं तो इसको डॉट हिट कर गया. सो मेरा मास्टर्स का थीसिस था न्यूरल नेटवर्क्स पे, इट्स प्योर इंजीनियरिंग थीसिस, और वो न्यूरल नेटवर्क्स इतना क्विकली लर्न करते हैं, यू नो दे असाइन वेट्स एंड देन दे आर कनेक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स. And based on the human learning mechanism, the brain's learning mechanism, the way neurons are connected, neural networks ke liye ab itne sophisticated tools ban chuke hain, which automatically classify, you know, intelligent systems jinko kehte hain. Intelligent systems are basically the systems which have artificial intelligence built into the brain, into the processor. So yes, you're right, lekin machines mein bhi wo capability kafi had tak incorporate ho gayi hai. Automated decision making बहुत सारी होती है. तो सर हम इनको इस तरह के जो है ना, आई कैन रिस्क माई लाइफ फॉर दिस कॉज, ये मशीन नहीं कह सकती, ये डेफिनेटली ह्यूमंस ही कहते हैं. और मुझे कि उसके लिए ज्यादा मुनासिब वर्ड जहन में नहीं आ रहा था, बट आई सेड लेट्स कलेक्टिवली कॉल इट जिसको, इट्स नॉट द फिजिकल हार्ट विच पंप्स यू नो ब्लड, उस सेंस में तो ये फिजिकल एंटिटी है, तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर में ही आ जाएगा. सो लेट्स कॉल इट कलेक्टिवली दैट इन द ह्यूमंस वी हैव इमोशंस, ह्यूमंस एग्जिबिट इमोशंस इन देयर पर्सनल लाइफ एज वेल एज देयर वर्क प्लेस. एंड व्हेन वी से वी नीड टू हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मेट, दिस मीन्स दैट द मशीन्स दैट वी कॉल एज ह्यूमंस हैव टू बी ट्रीटेड in some manner similar, because we have seen the similarities also. So I'm not de-emphasizing using the similarities as well, but I'm also saying ki thoda sa difference pe bhi focus karne ki bahut zyada zarurat hai, because humans are the only machines, agar hum isko machine hi kahe, which can go extra mile. Humans can go extra mile to achieve the objectives of the organization. Aur abhi hum dekhenge ki wo fir kis condition mein jate hain. So if we say yeah, तो अगेन इसको सिंपली हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स जिस तरह मैंने कहा हम नहीं बात करेंगे. वी आर सेइंग इज कि जो मैनेजर होता है, हु इज मैनेजिंग द रिसोर्सेस, एंड बाय द वे आई विल रिपीट माय सेल्फ, आई एम नॉट अंडर एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द ब्रेन, यूजिंग द सिस्टम्स एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस. वी आर देयर in the you know, we are existing because we need to use the system, use the brain to give the results to the stakeholders. That's why we are here. Jo leader hota hai sir, sirf it's not here. Yahan pe main thoda sa jab literature review karte hain leadership pe, bahut sare log aajkal organization corporate world ka mera zyada experience hai, spiritualism at workplace ki baatein honi shuru ho gayi hai. You know, leadership se ek bada soft sa theme निकालने की हम कोशिश करते हैं. हम कहते हैं ये वो बंदा है हु इज वेरी काइंड, हु इज वेरी नाइस, हु कैन इंस्पायर पीपल, यू नो इन्फ्लुएंस द बिहेवियर की बात हुई थी. तो उससे जस्ट टू गिव अ कॉशन दैट दिस इज नॉट अ लीडर, इज नॉट अ वेरी सॉफ्ट गाय ओनली, इट्स नथिंग, इट्स नॉट अ वेरी सॉफ्ट थीम विच जस्ट टॉक्स अबाउट यू नो द इमोशंस, द फीलिंग्स, द ह्यूमन फैक्टर लेट्स से only. So ये वाला जो दायरा है ये यहां पे हम